सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दादा भाई टेक चैनल, टेक के बाद का पहले जेटी की तरफ से जेटी ने एक नया फीचर मतलब लॉन्च कर दिया, मतलब से उनका जो फोन आने वाला उसमें आपको 20 GB रैम देखने को मिल सकता है। अभी तक 2, 4 फिर बाद में 6 GB फिर 8 GB फिर 16 GB 12 GB और साथ ही 18 GB का फोन जो और जी फोन में देखने को मिल रहा है, मगर अब जेटी का फोन देखने को मिला उसमें 20 GB रैम देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ ऑफिशियल न्यूज जा रही, बहुत जल्दी फोन देखने को मिलेगा। दूसरी न्यूज वन प्लस की तरफ से, वन प्लस का जो मतलब जो भी फोन था उसमें ऑक्सीजन वैसा, मगर अब जो भी नया फोन देखने को मिलेगा उसमें कलरोस देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ ऑफिशियल न्यूज जो मतलब वन प्लस का नया फोन देखने को मिलेगा, वन प्लस 90 उसमें आपको कलरोस देखने को मिलेगा। और साथ ही जो ओप्पो के फोन आएंगे जो कलरोस जो 12 आने वाला है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें हाइड्रोजन वैस ऑक्सीजन है और म्यू 12 वैस मिक्स करके बनाया जाएगा पूरा, मतलब जो भी और भी कलरोस देखने को मिलेगा। तीसरी टीम में जियो की तरफ से जियो का नया फीचर देखने को मिला है, जियो मतलब इमरजेंसी डाटा प्लान का भी फीचर देखने को मिलेगा आपको। जियो ऐप में आपको इमरजेंसी डाटा प्लान देखने को मिलेगा, मतलब 5 GB तक आप इमरजेंसी डाटा प्लान यूज कर सकते हैं, फिर बाद में उसको भुगतान कर सकते हैं। ऐसे कुछ मतलब फीचर लाया गया है जियो की तरफ से, देखते हैं क्या बेहतरीन फीचर है। जारी हुआ है व्हाट्सएप की तरफ से, व्हाट्सएप के बेहतरीन गुड मतलब बहुत बेहतरीन फीचर है, मतलब जो भी आप कोई भी फाइल आप सेंड करते थे तो वो फाइल मतलब कंप्रेस हो जाती थी, मतलब पूरी क्वालिटी खराब हो जाती थी, मगर अब जब भी अब मतलब एक फीचर देखने को मिलेगा व्हाट्सएप की तरफ से, मतलब आप जो भी फाइल भेजेंगे उसमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑटो मतलब कंप्रेस वाली और फिर हाई क्वालिटी और बेटर क्वालिटी, 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आप इस फाइल को ऐसे भेजना चाहते हैं मतलब पूरा क्लियर फिर वैसे ही भेजना चाहते हैं उसी तरफ से, इस तरह का फीचर देखने को मिलेगा व्हाट्सएप की तरफ से, बेहतरीन फीचर है। मोटो की तरफ से मोटो के एजेड सीरीज में 3 फोन देखने को मिलेंगे, मोटो एजेड 20, मोटो एजेड 20 प्रो, मोजो एजेड 20 लाइट। मोटो एजेड 20 में आपको 778 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और 108 मेगापिक्सल देखने को, प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेंगे, इससे बहुत सारे एप्लीकेशन लिस्ट हो चुका है। और मोटो एजेड प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसमें भी 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा, 32 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा देखने को, और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के साथ फोन लॉन्च होंगे। और जो मोटो एजेड 20 लाइट लेंगे उसमें आपको मीडियाटेक एडमिसिस 720 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को, 32 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। तीनों फोन लॉन्च होगा बेहतरीन प्राइस के साथ, आपको मोटो एजेड तीनों से जो फोन है बहुत जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, पहले ग्लोबल लॉन्च होगा उसका देखने को मिलेगा। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो BGMI जा है उसमें मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें मतलब इंडिया में आपको 7.5 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब इस साल के अंदर आपको BGMI मतलब जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया उसमें आपको 7.5 करोड़ का इन्वेस्ट देखने को मिला, अभी तक 200 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया, और जो बाकी के इन्वेस्ट करेंगे बहुत जल्दी क्या कहना है देखने को मिलेगा आपको, बैटल ग्राउंड मोबाइल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू सब्सक्राइब करना।